एक सवाल करेंगे जिसमें अपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो थ्योरम प्रूव की थी आयलर थ्योरम की हेल्प से उसकी एक एप्लीकेशन है। तो अब अपने बात दिया हुआ क्या है, इफ यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई देन प्रूव दैट एक्स डेरिव बाई डेल एक्स प्लस वाई डेरिव बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू। ये पार्ट तो आसानी से हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी अपने एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो दो टुकड़े में सवाल करते हैं। पहले अपने को दिया हुआ है कि यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। सबसे पहले ही अपने को देख लेना चाहिए कि अंश और हर में एक्स और वाई की घात यदि एक जैसी है, अंश की अंश में हर की हर में दोनों में एक जैसा होना जरूरी नहीं है, तो हम आयलर थ्योरम की मदद से चलेंगे। यदि यहाँ पर मेरे पास पावर एक्स स्क्वायर होती, यहाँ पर एक्स क्यूब होता, तो फिर अपन को इस मेथड से नहीं करेंगे कर सकते थे सवाल को। इन टोटो नहीं, अंश का अंश में देखें, हर का हर में देखें, यदि प्रत्येक टर्म के अंदर एक्स और वाई की घातांकों का योग बराबर है, तो हम इस आयलर थ्योरम की एप्लीकेशन के बारे में सोचते हैं। तो अब इसको अपन लिख सकते हैं टेन यू इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इसमें से एक्स क्यू कॉमन हो गया मेरे पास, वन प्लस वाई बाई एक्स इक्वल अपॉन एक्स कॉमन माइनस वाई बाई एक्स। अब इसमें माइनस प्लस से परेशान नहीं होना, साइन का इसमें कोई कीमत नहीं रहेगी। तो अब अपने पास चूंकि हर एक टर्म वाई बाई एक्स क्या है कॉन्स्टेंट थे, उसमें जो अपने परिभाषा दी थी उसमें ए जीरो ए वन वो कॉन्स्टेंट है, तो दैट इज रिस्पेक्टिव ऑफ साइन। तो ये अपने पास आता है एक्स स्क्वेयर एफ वाई बाई एक्स, यानी क्या अपने पास। अब सवाल अपना यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक अपने उस प्रॉब्लम को बनाने में लगा। टेन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एफ वाई बाई एक्स, दिस मीन्स टेन यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। टेन यू दो डिग्री का समघात फलन है, यदि दो डिग्री का समघात फलन है तो अब आयलर थ्योरम की मदद से अपने इसको क्या कर सकते हैं। आयलर थ्योरम ये कहती है अपने दो एक्स एफ का डिफरेंस है, एफ हमारे पास है टेन यू है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ टेन यू प्लस वाई डेल बाई डेल वाई ऑफ टेन यू इज इक्वल टू डिग्री कितनी है दो या दो या टेन यू। अब यहाँ पर कहीं किसी को कंफ्यूजन होता है, उससे बचने के लिए मैं चाहूँ तो इसको आप एफ मान लीजिए, तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू टू एफ। फिर एफ का मान रखना पड़ेगा क्योंकि एफ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब उसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे उस कारण से कुछ और चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व होगी, इसलिए उसका मान आपको रखना पड़ेगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको करेंगे कितना हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई सब्सट्रैक्ट यू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू टू टेन यू। अब दोनों में से सब्सट्रैक्ट यू कॉमन आ गया, ये हो गया अपने पास एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू टू टेन यू। कॉमन लेके सेक्स के यू किया मैं भाग देता हूँ, तो टू टेन यू सेक्स के यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो साइन टेन यू को अपन लिख सकते हैं साइन यू अपॉन कॉस यू, तो कॉस यू सेक यू कैंसिल हो जाएगा, एक सेक यू बचेगा तो वन अपॉन सेक यू इज कॉस यू भी होगा टू साइन यू कॉस यू एंड टू साइन यू कॉस यू नथिंग बट साइन टू यू। तो पहला पार्ट टू हो गया x del u by del x plus y del u by del y is equal to sin 2u। अब पहले पार्ट की मदद से ही अपन सेकंड पार्ट करेंगे। इक्वेशन होगी अपने पास ये x del u by del x plus y del u by del y is equal to sin 2u। तो अब इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है, एक बार x के रिस्पेक्ट में करिए एक बार y के रिस्पेक्ट में करिए। पहली बार जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा डेल u बाई डेल x प्लस x डेल 2u बाई डेल x 2 प्लस y डेल 2u डेल x डेल y इज इक्वल टू साइन 2u cos 2u 2u कट 2 एंड डेल u बाई डेल x। ये देखिए यहाँ भी डेल u बाई डेल x है, इसको उधर ले जाए अपने पास हो जाएगा x del u by del x2 plus y del u del x del y is equal to 2 cos u 2 cos 2u minus 1
del u by del x. अब इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलेगा ये x स्क्वायर del 2 u by del x cube plus x y del 2 u del x del y is equal to 2 cos 2 u minus 1 x del u by del x. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इसी इक्वेशन को अपन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, अपने पास आएगा x del 2 u del x del y, यह जाएगा x del 2 u del y del x plus del u by del y plus y as it is del 2 u by del y 2, इसका डिफरेंशिएशन 2 cos 2 u del u by del y, ये del u by del y इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा x del 2 u, मैं इसको del x del y लिख देता हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इज कम्यूटेटिव. ये आ जाएगा y del 2 u by del y स्क्वायर, ये होगा 2 cos 2 u minus 1 into del u by del y, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई y, ये होगा एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वेयर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वेयर टू कॉस टू यू माइनस वन वाई डेल यू बाई डेल वाई. से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर अपने पास क्या आएगा, देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को अपन ऐड करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस ये देखिए एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स वाई और ये रहा एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स वाई, तो हो जाएगा ट्वाइस एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos 2u minus 1 2 cos 2u minus 1 into x del u by del x plus y del u by del y. पहले पार्ट में प्रूव किया था अपने इसका मान कितना है, दिस इज sin 2u, तो इसको अपनी आप लाइक यूजिंग इक्वेशन जो हमने डी में प्रूव किया था उसकी मदद से ये आ जाएगा अपने पास 2 cos 2u minus 1 into sin 2u और शायद ही अपने को प्रूव करना था. इसमें एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है वो मैं बात करता हूँ. यस, तो प्रूव करना था कि जो अब हम कह सकते हैं कि जब अपने पास आयलर्स थ्योरम है जो सीधा कहती है कि x2 del 2f by del x2 2xy del 2f del xy plus y2 del 2f del y2 is equal to n into n minus 1 into f, तो उसकी मदद से करें तो सीधा क्यों नहीं आता, वो सीधा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास वहाँ f था, f is a function of x and यहाँ f नहीं हो करके यहाँ हमारे पास एक trigonometric function है और trigonometric function होने के कारण जब अपन इसका दो बार differentiation करेंगे तो दोनों बार trigonometric function का बार बार differentiation होगा, उस कारण से अपने को इसको differentiation करना ही पड़ेगा. ये ध्यान रखना है, ये ध्यान हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इस सवाल में हम गलती कर देंगे. हमेशा ऐसे थ्योरम तो वही लग रही है लेकिन चूंकि वहां पर सीधा हमारे पास f था, किसका फंक्शन था, f was a function of x and y, तो इसमें f के साथ कुछ नहीं, यहाँ f की जगह हमारे पास trigonometric function होगा, f is tan u होने के कारण जैसे ही हम इसका एक बार differentiation करेंगे तब भी उसका differentiation होगा क्योंकि sin u का differentiation करेंगे cos u हो जाएगा, cos u करेंगे sin u हो जाएगा, tan u का करेंगे sec square हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं trigonometric function होने के कारण जितनी बार हम differentiation करेंगे उतनी बार उसमें differential के साथ वो उसका differentiation होने के कारण हमारे पास ये equation आएगी 2 cos 2u minus 1 into sin
टू यू। थोड़ा सा आपने इसको और यदि गहराई से सोचें, कई बार ऐसा आता है कि हमने ऐसा ही क्यों नहीं है, तो दो चार सवाल करने पर ही ये कन्फ्यूजन हमारा दूर होगा कि अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो अकेला फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो उसके कारण निश्चित रूप से उसके मान में परिवर्तन होगा। उसी से देखना है, क्योंकि जैसे पहले मैंने कहा था कि यदि किसी सवाल को अपन उसके होमोजीनियस फंक्शन कुछ कैलकुलेशन करके लाते हैं, सीधा सीधा अपन ऑयलर थ्योरम लगा सकते हैं। निश्चित रूप से हम ऑयलर थ्योरम सीधी लगाते हैं, लेकिन ऑयलर थ्योरम लगने के बाद सेकंड वाला पार्ट करना है, सेकंड डेरिवेटिव्स के लिए, उसमें हमारे कोई डिफरेंशिएशन के कारण यदि वो अकेला फंक्शन न होकर के ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक कुछ अलग प्रकार का फंक्शन है, तो अपने उसको जैसे प्रूव किया था उसको डिफरेंशिएट करके दोनों बार जोड़ करके उसी प्रकार से सवाल करना पड़ेगा। ये उसका एग्जाम्पल है सीधा।